सो फ्रेंड्स, आज हम सर्च एंड इंडिसेस पे ये क्वेश्चन देखेंगे और बाकी एप्टीट्यूड के टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं। ओके, आप वहाँ पे जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स हम एक एक करके कवर कर रहे हैं, ठीक है, और आगे भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 8 की पावर x इंटू 2 की पावर y इक्वल्स टू 512 एंड 3 की पावर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9 की पावर 6। हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये मैथ 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फर्स्ट टाइम पहली बात ये 2 की पावर y है, सिंपलेस्ट फॉर्म 2 है, इसका भी हम 2 का ये पावर में बन जाएगा इधर 3, तो इसका भी देख छोड़ते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। 8 की पावर x है, 8 की पावर x, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में, 2 into 2 into 2 या 4 2 जाए, दैट मीन्स 2 की पावर क्यूब, ये लिख सकते हैं हम, वो यही लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। ये हो गया आपका 8 और ये जो है पावर x, ठीक, into 2 की पावर y equals to, देखो 512 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 512 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर, 2 की पावर कितना लिख सकते हो आप, 8 आ गया, ठीक, 2 की पावर 3 8 होता है, वैसे ही 512 की पावर क्या हो जाए, 2 की पावर 9, ओके 2 की पावर 9 होता है, ठीक है। ये आपका हो गया 2 की पावर 9। नाउ देखो ये बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होंगे, पावर एड ऑन हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया था। तो ये हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल्स टू 2 की पावर 9। तो यहाँ से यार एक आ गया हमारे पास इक्वेशन ये, ठीक है, एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गई, बेस सेम है तो, ठीक। नाउ अब हम दूसरी तरफ चलेंगे, 3 की पावर इस पे 3 की पावर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9 की पावर 6, 3 की पावर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9 की पावर 6। देखो 9 दैट मींस 3 3 या 9, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर की होल पावर 6 इक्वल्स टू 3 की पावर 3x प्लस 2y। नाउ अब ये क्या है, 2 into 6 मैंने बताया ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 3 की पावर 12 इक्वल्स टू 3 की पावर 3x प्लस 2y। यहाँ बेस सेम है, पावर गेट्स इक्वलाइज, तो यहाँ से क्या आ गया, ये एक इक्वेशन ये बन गई, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट ये सेकंड ये। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x एंड y की वैल्यू आ जाएगी, आपको यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में 3x और सेकंड इक्वेशन में 3x कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 3x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो 3x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 9 माइनस वाई, वो यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 9 माइनस वाई प्लस 2y, है ना, ये वैल्यू हम कहाँ रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे, तो 9 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल्स टू 12, यहाँ से क्या आ गया आपका 9 प्लस वाई माइनस वाई प्लस 2y वाई इक्वल्स टू 12, यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी 3। जब यहाँ y की वैल्यू 3 आ गई, देन x की वैल्यू आप यहाँ निकाल लोगे आराम से, यहाँ से निकाल लोगे, है ना, हमने y की वैल्यू अब क्या करी, यहाँ से इसमें पुट कर दी, तो y की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यहाँ से इक्वेशन देखो आप, 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इट विल बी 6, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, ओके।